फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ग्रीन टी के साथ झूठ लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअली मेरे पास कुछ इस तरह के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे कि मैम, हम लोग कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं तो उसके बाद मैं एक कप ग्रीन टी का पी लेती हूँ। तो आज मैं इस तरह के सात झूठ से आप मैं आपको इन सात मिथ से आपका जो डाउट है उसको क्लियर करूँगी कि आपको किस तरीके से लेनी चाहिए, क्या वो एक्चुअल में फ़ायदा करती है या नहीं करती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला मिथ जो है वो ये है कि ग्रीन टी हम जितनी ज़्यादा पियेंगे उतना जल्दी हमारा वेट लॉस होगा। ये एक मिथ है, ये एक झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन टी का रियल ट्रुथ ये है कि ग्रीन टी मैक्सिमम दिन में 3 से ज़्यादा बार हम लोगों को नहीं पीनी चाहिए। इसे अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इससे हमें सिर दर्द या फिर डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसका सेकेंड मिथ ये है कि ग्रीन टी को हम सुबह खाली पेट पियेंगे तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन ये एक झूठ है। ग्रीन टी में कैफीन होता है, इसे सुबह खाली पेट पीने से एसिडिटी हो सकती है, इसलिए इसको दिन में पीना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नाउ ग्रीन टी का थर्ड मिथ ये है कि ग्रीन टी अगर हम रात को पीते हैं तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सच ये है कि ग्रीन टी में कैफीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको अगर हम रात को लेते हैं तो रात में हमारी नींद खराब वो हो सकती है। ग्रीन टी का चौथा मिथ ये है कि ग्रीन टी अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम ग्रीन टी पी सकते हैं नॉर्मल चाय की जगह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन टी को हम नहीं पी सकते अगर हमें एसिडिटी जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है। ग्रीन टी में टैनिन होता है जो एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, तो इसलिए हमें ग्रीन टी 3 कप से ज़्यादा एक दिन में बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पांचवा मिथ ये है कि प्रेगनेंसी में ग्रीन टी पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ग्रीन टी के अंदर कैफीन और टैनिन होता है, इसलिए इसका लिमिटेड ही यूज़ करें। प्रेगनेंसी में इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पिएं क्योंकि कैफीन का बुरा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नाउ सिक्स मिथ क्या है? इसका सिक्स मिथ ये है कि ग्रीन टी जितनी पुरानी होगी वो उतनी ज़्यादा असरदार होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन टी अगर 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होती है तो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स पावर जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इसे लंबे समय तक बिल्कुल भी ना रखें। नाउ लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ ये है कि ग्रीन टी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक झूठ है, ग्रीन टी का साइड इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन टी जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और बॉडी के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में ये था कि आप ग्रीन टी को बिल्कुल सही तरीके से पहले जानें और फिर ग्रीन टी को लें। ग्रीन टी बहुत फ़ायदा करती है ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रीन टी की ज़्यादा मात्रा, किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा एक्सेस उसका नुकसान ही करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।